एडवांस लेवल पढ़ेंगे किसका प्रोनाउन का, तो उसमें हम ये सारी चीजें जो हैं वो डिटेल में हम वहां पे डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए क्या होगा, डिस्क्राइब्स नाउन व्हेन सब्जेक्ट्स एक्शन टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, जब हमें ऐसा लगता है कि जो काम है वो खुद ही क्या कर रहा है, एक प्रोनाउन खुद से ही कर रहा है, यानी कि वो सब्जेक्ट जो है वो खुद ही उस काम को कर रहा है, तो वहां पर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज एक्ट एज ऑब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा किसके रूप में काम करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में वो काम नहीं करते हैं। एंड दे रिक्वायर एन इंटरेक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। और ये क्या, इनको किस चीज की आवश्यकता होती है, एक इंटरेक्शन की, बीच में मतलब एक उनके बीच में एक जुड़ाव होना चाहिए, किसके बीच में, सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट के बीच में क्या दिखाते हैं, जुड़ाव को दिखाते हैं। हिमसेल्फ, योरसेल्फ, हरसेल्फ, आरसेल्फ, देमसेल्फ और इटसेल्फ, यानी कि आपको सेल्फ वाले जितने भी दिखाई देंगे या सेल्व्स, एस ई एल वी ई एस, तो ये किसमें आएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव आपको बताया, जिसमें क्या होता है, दर्शाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है जिसमें, तो उससे रिलेटेड ये प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पॉइंट्स आउट टू अ पर्सन प्लेस और थिंग, ये क्या करता है, पर्सन प्लेस और थिंग को क्या करता है, पॉइंट्स आउट करता है, इनकी उन चीजों को दिखाता है, उनकी ओर इशारा करता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव से आप यहाँ पे हिंदी में इसे इशारे से समझ लेंगे, अगर ऐसी कोई प्रोनाउन है जो इशारे यानी कि इशारे के बारे में बात करते हैं, पॉइंट्स आउट करते हैं किसी भी चीज की ओर, तो वो किसमें आएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैटेगरी में आएंगे। देखिए, दिस दैट दीज दोज, आपने पता है, आप ये बोलते हैं, दिस यानी कि यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स यह, दोज मीन्स वह। दिस देखिए ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, और जो पास में आपकी चीजें उसके लिए यूज होता है। दैट भी सिंगुलर के लिए यूज होता है, पर दूर की चीज दिखाता है, ये दोनों अपोजिट होते हैं, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, बट ये पास की चीज दिखाएगा, ये दूर की किसी वस्तु को दिखाएगा। ऐसे दीज और दोज, ये दोनों अपोजिट हैं, दोनों क्या है, प्लूरल है। ठीक है, दिस का क्या हो जाएगा, दिस ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या है, दीज है। दैट दैट सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या है, दोज है। तो ये दीज दोज भी दोनों क्या है, अपोजिट है, दोनों प्लूरल को दिखाते हैं, बट इसका मीनिंग होता है नियर, आपके कोई चीज है उसे दिखाना, दोस्त जो आपसे थोड़ा दूर चीज है उसे, उसकी ओर इशारा करना। तो यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन आपको पता होना चाहिए, अधिकार के बारे में जो बता रहा है पजेसिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि जो ऐसी चीज दिखा रहा है जिसे आप खुद से, जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसी चीज को खुद से कर रहा है, तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो किसी, ऐसा प्रोनाउन जो किसी चीज की ओर इशारा करके बताता है, तो वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन, अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि किससे रिलेट होगा, एक दूसरे से रिलेट होगा, उससे जुड़ा होगा किसी दूसरी चीज से, तो रिलेटिव आपको अगर किसी वर्ड की मीनिंग समझ में आ जा रही है, आप उसे किसी चीज से कोऑर्डिनेट कर ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, तो वो आपको उसकी कैटेगरी समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि उसके अंडर कौन से प्रोनाउन आएंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन में देखिए, डिस्क्राइब्स अ नाउन विच इज मेंशन्ड बिफोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन इज टू बी गिवन अबाउट इट। अब ये देखिए जो रिलेटिव प्रोनाउन है, डिस्क्राइब्स अ नाउन, ये नाउन के बारे में क्या करता है, वर्णन करता है। डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है वर्णन करना, डिस्क्राइब्स मीन्स हो गया वर्णन करता है। ये क्या है, नाउन के बारे में बताता है, वर्णन करना बताना एक चीज हो गई। डिस्क्राइब्स अ नाउन विच इज मेंशन्ड बिफोर, तो ये उस नाउन के बारे में बताता है जो पहले ही क्या है, वहां पे मेंशन किया गया है, दर्शाया गया है। एंड मोर इन्फॉर्मेशन इज टू बी गिवन अबाउट इट, और उसी नाउन के बारे में ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, कौन, रिलेटिव प्रोनाउन। इट ज्वाइंस रिलेटिव क्लॉज एंड रिलेटिव सेंटेंस, ये क्या करता है, रिलेटिव क्लॉज, हम क्लॉज भी आगे पढ़ेंगे। उस देखिए क्लॉज का काम क्या होता है, एक सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें जोड़ करके हम उस सेंटेंस को लेंदी कर देते हैं, उसमें फुल स्टॉप जो होगा वो एक लॉन्ग डिस्टेंस के बाद क्या होगा, फुल स्टॉप का यूज होगा। जैसे यहाँ पे हमने फुल स्टॉप का यूज कर लिया, यहाँ पे क्या है, एंड है, ये क्या है, एक क्लॉज है। ठीक है, तो ये क्या है, एंड इस टाइप से ये क्या होते हैं, सारे क्लॉजेस होते हैं, ये हम आगे के जो चैप्टर्स है उसमें हम देखेंगे क्लॉजेस के बारे में। तो इट जॉइंस रिलेटिव क्लॉज एंड रिलेटिव सेंटेंस, तो ये क्या करता है, रिलेटिव क्लॉज और रिलेटिव सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, आपस में जोड़ता है उन्हें। इट डज डबल वर्क, ये क्या करता है, डबल काम करता है, कैसे, द वर्क ऑफ अ प्रोनाउन एंड ऑल्सो द वर्क ऑफ अ कंजंक्शन। ये बोल रहे हैं कि रिलेटिव जो प्रोनाउन होता है,
रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और एक रिलेटिव कंजंक्शन में भी आ जाता है। क्यों? इसके दो काम होते हैं, एक तो ये क्या करता है, प्रोनाउन का काम करता है और दूसरा क्या करता है, कंजंक्शन का काम करता है। कंजंक्शन हमें पता है भी, एंड जो हमने क्लॉज की बात की थी वो भी कंजंक्शन के चैप्टर के अंदर आते हैं। कंजंक्शन मीन्स कंजंक्शन करना, कंजंक्शन मतलब किसी को किसी चीज को जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है एंड के थ्रू। तो ये जो प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन, वो दो चीजों का काम करेगा, आपका प्रोनाउन का काम भी करेगा और कंजंक्शन का काम भी करेगा। कंजंक्शन भी एक क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। हु हूज विच दैट एक्सेट्रा, इसमें क्या क्या आ जाते हैं, हु हूज विच दैट एक्सेट्रा, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के क्या है, एग्जाम्पल है। तो इनसे रिलेटेड अगर अभी आपको सेंटेंस में कहीं पे दिख रहे हैं तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव देखिए, इंटेरोगेटिव हमने जब सेंटेंसेस पढ़े थे, जब हमने सेंटेंस डिस्कस किए थे, या जो कल हमने वीडियो डिस्कस की थी नाउन की, जो हमारा रिवीजन था उसमें एक वर्ड आया था इंटेरोगेटिव भी वहां पे आया था। तो इंटेरोगेटिव मीन्स होता है इंटेरोगेशन करना, यानी कि आपस में क्या करना, बातचीत करना, जिससे क्या होता है क्वेश्चन निकल रहा है। तो इंटेरोगेटिव मीन्स होता है क्या होगा, उसमें इंटेरोगेशन होगा, पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे किससे रिलेटेड है ये, किस क्वेश्चन पूछने से, इट इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, ये किस लिए यूज होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन है उसका यूज होता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, हु, व्हाट, वेयर, विच, हूज, हुम, ये सारे डब्ल्यू एच वाले जितने हैं इसमें है रिलेटिव प्रोनाउन में, और सेकंड किस में आ रहे हैं, डब्ल्यू एच वाले जो प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। तो इंटेरोगेटिव हु, हु आर यू, जैसे आप ऐसे ही बोलते हैं, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट आर यू डूइंग, ये भी क्या है, यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर, तो यहाँ पे ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये सारी चीजें मतलब जो आपको दिखा दे रहे, क्वेश्चन वर्ड आप इन्हें बोल सकते हैं, अगर ये नाउन की जगह यूज हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे उस टाइम पे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। तो ये एग्जांपल मैंने अभी आपको दिए थे, तो ये क्या है, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो इसमें हम इनका जो वर्ड है इनका यूज देख सकते हैं, और अगर ये नाउन की जगह पे यूज हो रहे हैं तो तब ये क्या कहलाएंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। इनडेफिनेट प्रोनाउन, अब देखिए नेक्स्ट है इनडेफिनेट प्रोनाउन, रेफर टू पर्सन और थिंग इन जनरल। इनडेफिनेट प्रोनाउन में क्या होगा, इनडेफिनेट होगा, डेफिनेट मतलब कोई चीज डेफिनेट निश्चित नहीं होगी, इनडेफिनेट मीन्स होता है अनिश्चित, अनिश्चित आप इसे बोल सकते हैं, अनिश्चित प्रोनाउन, अनिश्चित क्या, सर्वनाम। रेफर टू अ पर्सन और थिंग इन जनरल, ये किस चीज के बारे में बात करता है, पर्सन के बारे में, थिंग के बारे में, इन जनरल यानी कि वो क्या होगी, कॉमन होगी, जैसे हमने कॉमन नाउन पढ़ा था ना, तो उसी से रिलेटेड है ये। इन जनरल यानी कि जनरल में कॉमन, सामान्य रूप से जो चीजें हैं पर्सन और थिंग, ये उनके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। देखिए वन, मैनी, ऑल, सम, समबडी, समवन, फ्यू, मैनी, अदर्स, नोबडी, एवरीबडी, एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, बडी वाले जितने आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हो मैक्सिमम किसमें है, इनडेफिनेट प्रोनाउन में आ रहे हैं, वन, मैनी, ऑल, सम, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसका लास्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स क्या हो गया, यूज टू इंडिकेट ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा प्रोनाउन है जो क्या होगा, उन मेंबर्स की ओर इशारा करेगा, किनके, जो एक क्या है ग्रुप के क्या है, मेंबर हैं। इंडिकेट ऑल द मेंबर्स, वो सभी मेंबर की ओर इशारा करेगा उस ग्रुप के, जो उस ग्रुप के क्या है मेंबर, मतलब एक ग्रुप की ओर इशारा कर रहा है जिसमें लोग हैं और वो उसके क्या है मेंबर हैं, तो वो सभी को दिखाएगा कि इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, ईच, एवरीवन, आइदर और नीदर, इधर नीदर भी बोल सकते हैं, और आइदर नाइदर भी हमने सुना है लोग ऐसा इसका प्रोनाउंसिएशन करते हुए, ईच, एवरीवन, इधर और नीदर, तो ये सभी क्या है, ये सबसे हमारे प्रोनाउन की कैटेगरी में आ रहे थे। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसे सिंगुलर प्रोनाउन भी यहाँ पे दिखाया गया है, एक वचन सर्वनाम, एक वचन सर्वनाम भी इसे यहाँ पे कहा गया है, जो एक के बारे में बात करता है। तो ये सारी चीजें थी हमारे प्रोनाउन के बारे में। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन। This is the sentence and is in the second column this is the Hindi meaning and the third is pronoun column. Okay, the sentence is I am young. अब यहाँ पे क्या बोला गया कि I am young, मैं कैसा हूँ, मैं जवान हूँ, यहाँ पे इसकी हिंदी दी गई है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश में डिस्कस कर रहे हैं I am young. अब यहाँ पे देखिए I क्या है, एक प्रोनाउन है,
तो ये इन सेंटेंस से ही क्लियर हो जाएगा कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रोनाउन कौन से होते हैं, नाउन कौन से होते हैं, क्योंकि अभी तक हमने नाउन डिस्कस किया और जो सेकंड चैप्टर हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, प्रोनाउन है। तो नाउन हमें आइडेंटिफाई करने आ गए हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोनाउन के बारे में, तो ये भी हमें क्लियर होना चाहिए कि प्रोनाउन उस कोई भी सेंटेंस है उसमें प्रोनाउन कहाँ पे यूज हुआ है, ये हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको आइडेंटिफाई करने में नाउन और इवन प्रोनाउन, नाउन को आइडेंटिफाई करने में, प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने में, तो ये सारी चीजें क्या है, हम आपको क्वेश्चन आप पूछेंगे तो हम इसे और इजीली आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, जैसे दिस इज माई बुक, अब यहाँ पर दिस ये क्या है प्रोनाउन है भी, माई ये भी क्या है प्रोनाउन। देखिए यहाँ बुक दिखाई है, मेरी बुक, यहाँ पे माई क्या है पोजिशन दिखा रहा है, मेरा अधिकार दिखा रहा है उस पर माई बुक, ठीक है। दिस इज माइन, ये भी यहाँ पे क्या है दिस माइन, ये अगेन ये क्या है प्रोनाउन है। द आइडिया ऑफ माई वाइफ वॉज एक्सीलेंट, यहाँ पे क्या है माई वाइफ, माई क्या है यहाँ पे प्रोनाउन है। ही लव्स हिज डॉग एंड इट ऑल्सो लव्स हिम, अब यहाँ पे ही भी प्रोनाउन है, हिज भी प्रोनाउन है, इट भी प्रोनाउन है, ठीक है, हिम भी प्रोनाउन, ये सारे प्रोनाउन है यहाँ पे, बट यहाँ पे हमें इजिली उन्होंने सिंपली बताया है कि ही और इट यहाँ पे क्या है प्रोनाउन है, बट यहाँ पे हिज और हिम भी हम देखते हैं कि ये भी किसके अंदर आते हैं, प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। इट वॉज आई हु स्टार्टेड द डांस, अब यहाँ पे देखिए इट, इट यहाँ पे क्या है प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है। अब यहाँ पे देखिए हिज और हिम की जो हमने बात की थी, आई लव्स हिज डॉग एंड इट ऑल्सो लव्स हिम, अभी हम जब डिस्कस करेंगे सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन के बारे में, अभी हम एक उसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन की से रिलेटेड होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे, मतलब जो वो चार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन जो हमारा चैप्टर है उसमें उस चार्ट की क्या है इम्पॉर्टेंस है, अपनी इम्पॉर्टेंस है उसकी, तो आप उस चार्ट को विदाउट, आप उस चार्ट के जो प्रोनाउन है आप उसे इजीली समझ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर इजीली उस प्रोनाउन जो चैप्टर हमारा इसे समझना है तो आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी प्रोनाउन से रिलेटेड वो आपको देखनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट इज विंटर इट इज वेरी कोल्ड, अब यहाँ पर देखिए इट अगेन, यहाँ पे इट अगेन, ये दोनों क्या है प्रोनाउन है। आई मेट वर्तिका हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम यूएसए, आई मेट वर्तिका, अब यहाँ पे देखिए आई, आई क्या है प्रोनाउन है, वर्तिका क्या वर्तिका प्रोनाउन है, नहीं वर्तिका प्रोनाउन नहीं है, वर्तिका क्या है नाउन है, क्योंकि ये नेम ऑफ अ पर्सन है, ठीक है। अगर नेम ऑफ अ पर्सन किसी का है तो वो क्या है नाउन है। तो ये इन एग्जाम्पल जो यहाँ पे आपको प्रोनाउन के एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पे अगर आपको कोई मतलब अगर आप नाउन की प्रैक्टिस करना चाहते तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें आप कौन कौन से जो वर्ड हैं वो नाउन हैं, तो उसमें भी आपको क्या है नाउन भी मिल जाएंगे। आई मेट वर्तिका हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम यूएसए, तो आई यहाँ पे क्या है प्रोनाउन है, एंड हु कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पे बताइए, अभी हमने बात की थी जो दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा कौन सा था रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे आपको पता भी होना चाहिए कि इट कौन सा प्रोनाउन है, हु कौन सा प्रोनाउन है, पहले आप यहाँ पे इसमें सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से प्रोनाउन है जब आप एक्सरसाइज करें, जैसे हमने अभी देखा हमने तो आइडेंटिफाई किया प्रोनाउन कौन कौन से हैं। अब आप इसमें एग्जांपल ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं तो उसमें जो प्रोनाउन आया है वो कौन सा प्रोनाउन है, आई, वो किस प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है, कौन से प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है बताइए, पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको जितने भी प्रोनाउन अभी हमने डिस्कस किए जिनके बारे में, तो आपको वो देखना है कि वो प्रोनाउन किस टाइप का प्रोनाउन है, यानी कि अगर आई है तो आई कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। दिस माई ये कौन से प्रोनाउन है, दिस माइन ये कौन से प्रोनाउन, तो ये आपको सारे पता होने चाहिए, इससे आपको इजीली क्लियर होते रहेगा प्रोनाउन, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप उस टॉपिक में परफेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक कहावत भी सुनी होगी जो एक प्रोवर्ब है कि द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आप उतने ही ज्यादा उस चीज में क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। अगर आप जो प्रैक्टिस है वो भी परफेक्ट करते हैं तो आप भी क्या हो जाएंगे उस टॉपिक में परफेक्ट हो जाएंगे। तो जो आपकी प्रैक्टिस है उसे कंटिन्यू रखिए, वो आपको नेट पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी आपको इसकी प्रैक्टिस मिल जाएंगी, आप इसे साइट्स पे देखते हैं वहां पे आपको प्रोनाउन की जो एग्जांपल्स हैं वो दिख जाएंगे, उससे आप क्या करेंगे उनकी प्रैक्टिस करें कि कैसे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये क्या है एक सिंपल टॉपिक है, ये बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, वहां पे क्वेश्चन अपना वहां पे छोड़ दीजिए, तो हम उसे देख करके आपको क्या करेंगे रिप्लाई करेंगे, आपके कोई भी क्वेरी हो तो हम उसे क्या करेंगे उससे आपको इजीली समझाने की वहां पे कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक आवर वीडियोस
लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।